हाय फ्रेंड्स, नव्या बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको रेडीमेड नाइटी में चैन लगाना बताऊंगी और चैन कहाँ कैसे लगाना है। ये देखिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी समझ पाएंगी। स्किप करके देखने पे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए, इस तरह से मैं नाइटी को रख ली हूँ और यहाँ बीच में देखिए ये चैन बीच में सेट करना है। तो फिर कैसे सेट करना है ये मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ जो है प्लेट छोटा छोटा पड़ा हुआ है, तो उसमें चैन कैसे सेट करना है ये दिखाऊँगी मैं। तो आप ध्यान से देखिए मेरी वीडियो। और ये जो छोटा सा है इसको मैं अलग कर लेती हूँ, लटकन था। और ये जो है इसका सिलाई मैं खोलूँगी, सिलाई खोल करके इसको अलग करूँगी। और इसमें छोटा छोटा प्लेट है, तो प्लेट को बड़ा करके बनाना है। अभी मैं करके दिखाती हूँ। देखिए, इसको खोल कर अलग कर ली। और यहाँ बीच में गैप करना है, प्लेट इस साइड में दो रहेगा और दूसरी साइड में दो रहेगा। अगर एक ही बैठता है तो एक ही जितना मतलब बनता है प्लेट, दोनों साइड में बनाना है। बीच में 1.5 इंच का गैप देना है। तो यहाँ मैं देखिए इस तरह से कर ली हूँ। और फिर इसको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे दोबारा फिर सिलाई करके सेट करना है। देखिए इस तरह से इसमें आगे की तरफ छोटा छोटा प्लेट था, तो उसी को मैं बड़ा प्लेट करके इस तरह से सेट की हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये हो गया। अब इसको बराबर करके इस तरह से देखिए, इस तरह से बराबर करिए। फिर उसके बाद कटिंग करिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैन लेना है और चैन को इस तरह से रखना है। फिर यहाँ पे कितना लंबा चैन जाता है उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। चैन जहाँ रुकता है खोलने के बाद, उसका जीप जहाँ जाकर के टिकता है वहीं तक काटना है। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा ली हूँ। तो ये देखिए हो गया है। और यहाँ पे इस तरह से मैं हाथ से सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे रखना है और जीप जो है अंदर रहेगा, तो उल्टा फिर जब सीधा आप करेंगी तो सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद मैं दूसरे साइड में भी सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। इसी तरह से देखिए पकड़ करके मैं दूसरे साइड में भी सिलाई कर ली हूँ और नीचे भी इसको सिलाई कर लेना है, यहाँ सेट कर देना है। तो अब मैं आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और पता नहीं चल रहा है कि अलग से लगा हुआ है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप भी एक बार बना सकते हैं इस तरह से।